लिसन एंड लर्न चैनल ने आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया है। कहानी का शीर्षक है मजबूरी को कमजोरी ना समझो। एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहा था। संयोग से वह कोच खाली था। तभी 8-10 लड़के उस कोच में आए और बैठकर मस्ती करने लगे। एक ने कहा, चलो जंजीर खींचते हैं। दूसरे ने कहा, यहाँ लिखा है 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। तीसरे ने कहा, इतने लोग हैं, चंदा करके 500 रुपये जमा कर देंगे। चंदा इकट्ठा किया गया तो 500 की जगह 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 200 के 3 नोट, 2 नोट 50 के, बाकी सब 100 के थे। चंदा पहले लड़के के जेब में रख दिया गया। तीसरे ने कहा, जंजीर खींचते हैं, अगर कोई पूछता है तो कह देंगे बूढ़े ने खींचा है, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तब बूढ़े ने हाथ जोड़ के कहा, बच्चों मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लेकिन नहीं, जंजीर खींची गई। टीटीई आया 2 सिपाही के साथ तो सभी लड़कों ने एक स्वर में कहा, बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी बूढ़े से बोला, शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकत करते हुए। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी। उसने पूछा, क्या मजबूरी थी। बूढ़े ने कहा, मेरे पास केवल 1200 रुपये थे, जिसे इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे है, जिसमें 200 के 3 नोट और 50 के 2 है, बाकी सब 100 के हैं। अब टीटी ने सिपाही से कहा, इनकी तलाशी लो। जैसा बूढ़े ने कहा, नोट मिलाए गए, लड़के के जेब से 1200 रुपये बरामद हुए, जो बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के हाथ जाते समय लड़के ने बूढ़े की ओर घूर के देखा तो बूढ़े ने सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। इस बात से ये जाहिर होता है, हम खुद को कितने भी होशियार समझे, लेकिन अनुभवी लोगों के आगे हम होशियार नहीं हैं।